नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वर्णेशन। खबर है रांची के रिम्स से और मामला बेहद ही अजीबोगरीब है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अपनी सजा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि शायद आपको सुनकर हैरानी तो हो ही और हंसी भी आ जाए। जी हाँ, दरअसल ये जो सुरक्षा कर्मी थे, जब वो रिम्स से वापस जाने लगे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को मिले तकिया, गद्दा और साथ ही साथ कुछ अन्य सामान वो लेकर अपने साथ चले गए, यानी कि उन्होंने घोटाला कर दिया है। अब ऐसे में और क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। रिम्स में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात जवान वापस जाते समय रिम्स से मिले गद्दा, तकिया समेत अन्य सामानों को अपने साथ ले गए। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जवानों को जवाब तलब किया है। एसएसपी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अब तक जवानों ने रिम्स का सामान वापस नहीं किया है। सामानों को वापस नहीं किए जाने के कारण रिम्स प्रबंधन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, यह गंभीर विषय है। इससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर सामान को जमा किया जाए। यह भी बताएं कि अब तक उन्होंने सामान क्यों नहीं वापस किया। आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को पत्र भेजा था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जब रिम्स के केली बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे थे, उस समय लालू की सुरक्षा में रांची पुलिस के 10 पुलिसकर्मी तैनात थे। रिम्स प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए और तकिया उपलब्ध करवाया गया था। इसी बीच बिहार के एक विधायक को फोन करने के मामले को लेकर हुए विवाद के बाद लालू प्रसाद को दोबारा पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। केली बंगला खाली होने के बाद लालू की सुरक्षा में तैनात जवान वहां से हटा दिए गए, लेकिन जाते जाते पुलिस के जवान केली बंगले से गद्दे और तकिए ले गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद रिम्स प्रबंधन ने जवानों से कई बार तकिया और गद्दे की मांग की है, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को इस संबंध में पत्र लिखकर सामान वापस कराने का आग्रह किया था। तो आपको बता दें कि जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केली बंगले में रह रहे थे, उन्हें शिफ्ट किया गया था, तो उस दौरान उनकी सुरक्षा में 10 पुलिसकर्मी थे, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव को वहां से एक बार फिर से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया, केली बंगले को खाली करवा दिया गया, तो सुरक्षाकर्मी का भी काम खत्म हो गया। लेकिन जब वो अपना काम खत्म कर वापस जाने लगे तो तकिया, गद्दा समेत कई सारे और सामान वो लेकर वहां से चले गए। हालांकि जब इसकी जानकारी रिम्स प्रबंधन को मिली तो उनकी तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि वो तमाम सामान उन्हें वापस कर दिए जाए, लेकिन अभी तक ये सुरक्षाकर्मी इसको लेकर कोई भी बात सामने नहीं रख रही। और साथ ही साथ अब इसको लेकर एसएसपी तक बात पहुंच गई है। उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम सामानों को लौटाया जाए और ये बताया जाए कि आखिर क्यों वो ये सारी चीजें लेकर वहां से गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।